गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। गुरुवार को ममता बनर्जी ने आज से राज्य भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ व्यापक आंदोलन करने की घोषणा की है। इसी के अनुरूप हावड़ा स्टेशन रोड पर तृणमूल महिला कांग्रेस ने सुबह से अवरोध कर नारेबाजी की। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्कूटी की सवारी की। कोयला कांड में ईडी की टीम हावड़ा जूट मिल के 135 फोरसर रोड स्थित ऑफिस में भी पहुंची है। यहां पर मिल के मालिक ओम प्रकाश मल और संजय मल से पूछताछ की जा रही है। ममता ने 8 चरणों में चुनाव की घोषणा पर कहा है, चुनाव आयोग ने क्या भाजपा के कहने पर ये तय किया है? ममता ने कहा है कि मैं अपना स्वागत करती हूं, पर जिलों को क्या 2 भाग में बांट दिया गया है? इलेक्शन कमीशन के मान्यता दिए তারা যেভাবে অ্যানাউন্স করেছেন আমরা সেভাবেই করব, কিন্তু কোথাও কোথাও একটা কোশ্চেন এসে যাচ্ছে। বিহারে 240টা সিট, 3টে ফেজে ইলেকশন হয়েছে, আসামে 3টে ফেজে ইলেকশন হচ্ছে, তামিলনাড়ুতে সম্ভবত 240-এর মতো সিট, 34, তাতে সেখানে ওয়ান ডে ইলেকশন, কেরালায় সিপিএম গভর্নমেন্ট আছে ওয়ান ডে ইলেকশন, বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। উই ওয়ান্ট ইলেকশন কমিশন উই হ্যাভ এ হায়েস্ট রিগার্ডস নাও লাইক ইলেকশন কমিশন দ্য ইম্পর্টেন্ট বডি। ইফ দে ডোন্ট গিভ জাস্টিস টু দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য পিপল, then where the people will go? Now whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. कूदघाट में कल मेन होल में उतरे 4 श्रमिकों की मौत हो गई थी और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। निगम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। हावड़ा के घुसड़ी में दिन दहाड़े 25 वर्षीय युवक विशाल महतो को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में उसे कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों ने बताया है कि विशाल की मौत हो गई है। कुछ वर्ष पहले दुर्गा पूजा के समय विशाल के पिता विजय महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साउथ ईस्ट दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े स्कूल के बाहर 3 से 4 लड़कों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की। जब छेड़खानी का विरोध लड़की के छोटे भाई ने किया तो बदमाशों ने लड़की के भाई को बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं, उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। पाकिस्तान के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब अभिनंदन पाकिस्तान में गिरे थे और पाकिस्तानी सेना के सामने अपने अनुभव कैमरे में साझा कर रहे थे। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे, सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। DGCA ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। दिल्ली के प्रताप नगर स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री ने
शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां तैनात की गई। आग फैक्ट्री के 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। घटनास्थल से एक शव बरामद किया जा चुका है। एक दमकल कर्मी इस हादसे में झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कश्मीर में गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वर्चुअल मोड से उद्घाटन किया। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से 1200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि खेलो इंडिया के तहत हर जिले में एक सेंटर विकसित किया जाएगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम सारे यहाँ पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम अपनी जेएनके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सारे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे सारे जाए, इतनी सारी स्टेट्स आई है, तो बहुत अच्छा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनका प्यार है। पहले भी उन्होंने PMDP में 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, और आज भी 40 हमारे खेलो अभियान के योजना के तहत सेंटर सैंक्शन थे, 60 और सैंक्शन हुए हैं। जम्मू और श्रीनगर में 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बनाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के एक ASI ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार सुबह की है। ASI ने जाकिरा फ्लाईओवर के पास तैनात PCR वैन में खुद की छाती पर गोली चला दी। आगे की जांच की जा रही है। मृतक पुलिसकर्मी की उम्र करीब 50 साल की है। जिस वक्त पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारी, उस समय बाकी स्टाफ PCR वैन से बाहर थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को UPI फ्रॉड के प्रति अलर्ट किया है। SBI ने अपने ट्विटर हैंडल पर ग्राहकों को सावधान किया है। बैंक ने कहा है कि अगर आपको UPI के जरिए खाते से पैसे डेबिट किए जाने का SMS अलर्ट मिलता है जो आपके द्वारा नहीं किया गया है, तो अलर्ट हो जाएं। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में कोरोना केस डराने लगे हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केरल महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए UP सरकार ने नए नियम निर्धारित किए हैं। इन दोनों राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले विमान यात्रियों को कोरोना टेस्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों को एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के कल्याणपुरी से किडनैप की गई 9 साल की बच्ची का शव गाजियाबाद के मोदी नगर से बरामद हुआ। मोदी नगर के भोजपुर गांव के खेत में बच्ची का शव मिला है। 13 फरवरी को बच्ची लापता हुई। मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ के बाद आज बच्ची का शव बरामद किया गया है। 8 साल की बच्ची को एक व्यक्ति उठाकर ले गया था, जिसकी शिकायत भाई नेम हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उसके बावजूद आज तक पुलिस उसको ना तो बरामद कर पाई, ठीक है जी। इसके लिए हम परसों भी आए थे, कल भी आए थे कि जी क्या कार्रवाई करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि यहाँ से भेजा कि हम जल्द से जल्द, हमने उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जल्द से जल्द बच्चे को शाकुशल आपके सामने पेश करेंगे। अब हमारे अंदर जो रोष है, सबसे बड़ा यह रोष है कि पुलिस ने यदि सही समय पर सही कार्रवाई की होती तो आज बच्ची सामने होती। और दूसरी बात, यहाँ पर क्षेत्र में डेली बड़े बड़े मंत्री खुद, कल हमारे मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल साहब भी आए थे, आज गौतम गंभीर जी भी आ रहे हैं, और इससे पहले भी BJP के बड़े बड़े हंसराज हंस जैसे यहाँ पर मंत्री आए थे। खेल चल रहा है ना, तो मुझे लगता है जब तक ये लोग ये नहीं करेंगे कि उन दोषियों को फांसी हो, तो मुझे लगता है लोग यहाँ जाने वाले नहीं है, लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम लोग अपने हक और अधिकारों को लड़ना जानते हैं और लड़ाई कभी हो सकती है, हम संघर्ष करेंगे, लोग सुनने वाले नहीं है। हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।